बिल्कुल। सो पहले ये बताओ, कल के सेशंस के डाउट्स हैं वो बताओ पहले, तो बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन वाज एनकोडिंग, जिसको हम मेनली यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी के लिए। डन, नॉर्मल काइंड ऑफ ट्रांसलेशन कह सकते हैं इसको। सेकंड वन इज एनक्रिप्शन, जिसको हम मेनली यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, राइट। अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन। द फर्स्ट वन इज, हमारे दो टाइप के एनक्रिप्शन थे, कौन कौन से? ठीक दो टाइप के एनक्रिप्शन बताए थे मैंने कल, कौन कौन से होते हैं? ओके, सो द फर्स्ट वन वाज सिमेट्रिक एंड सेकंड वन वाज असिमेट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या था, याद हाँ सर, एक में तो फर्स्ट की मानता है और एक में टू की होता है, पब्लिक और है? प्राइवेट हाँ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सिंगल की और असिमेट्रिक में टू डिफरेंट कीज यूज होते हैं। सो दोनों में से एक पब्लिक होगी, जिसको हम शेयर करेंगे वो पब्लिक की बोली जाएगी, और जिसको हम अपने पास रखेंगे वो प्राइवेट की बोली जाएगी। ठीक है, एनक्रिप्शन किसी से भी कर सकते हो, हमारी कॉल होती है। अब इसके अलावा आपकी कुछ कॉमन टर्म्स जो कि यूज होती हैं एनक्रिप्शन में, सो लेट्स गो विथ टर्म्स। स्टार्टिंग में आता है आपका प्लेन टेक्स्ट, जो कि आपका नॉर्मल इनपुट होता है, जस्ट इनपुट को आप इन शॉर्ट प्लेन टेक्स्ट बोलते हो यहाँ पे। सेकंड वन इज योर साइफर, आप जो भी मैथमेटिकल एल्गो यूज करोगे वो साइफर कंसिडर होता है यहाँ पे। एंड द थर्ड वन इज योर साइफर टेक्स्ट, ये आपका जो आउटपुट आएगा ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के बाद, एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। डन। अब इसके अलावा लेट्स गो विद द मेन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द साइफर्स। सो साइफर्स के भी दो अलग अलग टाइप्स हैं, अब वहां से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ साइफर। फर्स्ट वन इज योर्स ब्लॉक साइफर एंड सेकंड वन इज योर स्ट्रीम साइफर। दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते हैं। जो हमने कल देखे थे, आपका AES और आपका RSA, वो दोनों ही आपके ब्लॉक साइफर्स हैं। मतलब क्या है, ब्लॉक साइफर्स हमेशा एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को ही एनक्रिप्ट करेंगे, राइट। अगर इन शॉर्ट लेट से मैं बात करता हूँ यहाँ पर AES की, सो AES एक बार में सिर्फ और सिर्फ 128 बाइनरी बिट्स को ही एनक्रिप्ट करता है, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ 128 बाइनरी बिट्स ही एनक्रिप्ट होंगी एक बार में। अब लेट से हमें एनक्रिप्ट करना है 1 MB डेटा, राइट, इट इज इक्वल टू 1024 KB, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, इट्स 1024 00 KB और 000 bytes, राइट। इसको कन्वर्ट कर लो बिट्स में, सो मल्टीप्लाइड बाय 8, मेरा मैथ कमजोर है, सो आई विल गो विथ सिंपल कैलकुलेशन। सो 8 1 6 और 8 4 32, सो ये आ गया 9 2 और 3 0, ये आपका नंबर ऑफ बिट्स हो गया यहाँ पर, राइट। इट मीन्स हमें इतने नंबर ऑफ बिट्स वहां पर एनक्रिप्ट करने हैं, सिंपल सा केस ये है। अब हमेशा आपका ब्लॉक साइफर एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा का ही एक पैकेट क्रिएट करता है, इन शॉर्ट वी कैन से, उस पैकेट को आप यहाँ पर ब्लॉक बोलते हो, राइट। यहाँ पे ब्लॉक साइज है 128, तो आपके 128 बिट्स के
अलग अलग टुकड़े बनाए जाएंगे इसके, राइट। अब लेट से मैं अगर डिवाइड करने चलूं यहाँ पर, सो दिस इज 819200 डिवाइडेड बाय 128, सो हमारे पास बनते हैं कुछ 64,000 ब्लॉक्स। हर एक ब्लॉक का साइज है 128 एंड वी हैव 64,000 ब्लॉक्स हेयर, राइट। हर एक ब्लॉक के ऊपर एनक्रिप्शन के लिए आपकी सेम ही की यूज होगी, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना। लेकिन आपका कोई भी एनक्रिप्शन हो, सिमेट्रिक हो असिमेट्रिक हो, आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, उसकी मेन जो स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग तीन चीजें हमेशा याद रखना उसके बारे में। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द की साइज। की साइज जितना लेंथी होगा उतना बढ़िया है हमारे लिए, हायर द की साइज कॉम्प्लेक्स द एनक्रिप्शन, राइट। लेकिन हायर द की साइज मेक्स द एनक्रिप्शन स्लोअर एज वेल, तो वो चीज भी याद रखना। की जितनी छोटी होगी उतना फास्ट होगा लेकिन उतना ही ब्रेक करना आसान रहेगा, राइट। सेकेंड वन इज अगर ब्लॉक साइफर है सो वहां पे ब्लॉक का साइज क्या है, राइट। लेट से AES के केस में यहाँ पे ब्लॉक साइज हमें मिलता है 128, और अगर की साइज की बात करूं मैं AES के लिए तो हमें यहाँ पे तीन अलग अलग की साइज मिलते हैं, 128, 192 एंड योर 256 बाइनरी बिट्स, राइट। ये तीन की साइज मिलते हैं हमें AES के अंदर। डन, ब्लॉक साइज हो गया, की साइज हो गया। द लास्ट वन इज नंबर ऑफ राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझने के लिए लेट से मुझे करनी है मल्टीप्लीकेशन, राइट। थोड़ा सा इसको ऊपर एक्सपेंड कर लेते हैं और लेट्स स्क्रॉल इट डाउन, ठीक है। लेट्स से मुझे कोई सिंपल मल्टीप्लीकेशन ले लो, मुझे करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अब मुझे एक बार और मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मुझे आंसर मिल गया यहाँ पर इज 4, ठीक है। मुझे इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है 2 से, मुझे आंसर मिल गया 8। मुझे इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है 2 से, मुझे आंसर मिला यहाँ पर 16, राइट। मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, इट मीन्स यू कैन से मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया, दिस इज माई फर्स्ट राउंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद 2, दिस इज माई सेकेंड राउंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद 2, दिस इज माई थर्ड राउंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद 2। मैं अलग अलग राउंड ले रहा हूँ, मतलब ऑपरेशन सेम है लेकिन मैं सेम ही ऑपरेशन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, राइट। उस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। हर एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में आपके मल्टीपल ऑपरेशंस मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, राइट। AES के केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ राउंड्स डिपेंड करेंगे आपके की साइज के ऊपर। अगर आप यूज कर रहे हो वहां पर 128 बाइनरी बिट्स तो आपको वहां पर मिलते हैं 10 राउंड्स, फॉर 192 यू विल गेट 12 राउंड्स एंड फॉर 256 यू विल गेट 14 नंबर ऑफ राउंड्स देयर, राइट। अगेन हायर द की साइज स्लोअर द एनक्रिप्शन बट मोर कॉम्प्लेक्स द आउटपुट, ठीक है। वो चीज हमेशा याद रखना, सिंपल सा केस ये है। डन, यहां तक का पार्ट क्लियर है। ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं, उनका यूज क्यों होता है मेनली, नॉर्मल केस ये था बस, ठीक है। ब्लॉक साइज का मतलब इतना सा है कि हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को ही एनक्रिप्ट करेंगे। AES के केस में हम बात करते हैं 128 बाइनरी बिट्स। AES से पहले आप जो एनक्रिप्शन यूज करते थे दैट वाज DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, DES। काफी लंबे टाइम तक चला भी है ये। इसका एडवांस वर्जन आता है डबल DES, उसका एडवांस वर्जन आता है ट्रिपल DES। इन तीनों में ही जो आपका ब्लॉक साइज था वो था 64 बिट्स, ना बाइट्स ना किलोबाइट्स, सिर्फ बाइनरी बिट्स, ठीक है। 64 जीरोस एंड वंस, दैट्स ऑल। इन तीनों में डिफरेंस क्या था, आपका जो नॉर्मल DES है, यू कैन से सिंगल DES जिसको बोलते हो आप, इन शॉर्ट सिंगल DES में आपकी की का साइज वहां पर 64 बिट्स है, राइट। डबल DES में आपको 64 बिट्स की दो अलग अलग की लेनी पड़ती है, इट मींस यू कैन से 2 मल्टीप्लाइड बाय 64, नॉर्मल केस ये है। की का साइज सेम रहेगा 64, लेकिन हाँ सर, इसमें जैसे प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग नहीं 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 इसमें इसमें वो सिनेरियो नहीं है प्राइवेट पब्लिक का। इसमें आपकी यूजर स्पेसिफिक कोई भी 64 बाइनरी बिट्स आप पिक कर सकते हो,
ठीक है, लिए आपको आपको लेकिन दो अलग अलग स्ट्रिंग देनी पड़ेंगी वहां पे, जस्ट पॉइंट इतना सा था, बस इतनी सी बात है बस। अब लेट से कोई भी, आप कोई भी आठ कैरेक्टर पिक कर लो, ठीक है। अब वो आपको दो बार पिक करने पड़ेंगे, आठ आठ के दो पेयर्स, वो आपका डबल डीईएस है। देन वी गो ट्रिपल डीईएस, यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप इन्हीं दो कीज को तीन बार यूज करो। लेट्स मैंने पहले एनक्रिप्शन किया फर्स्ट की से, देन मैंने अगेन एनक्रिप्शन किया सेकंड की से, देन मैंने अगेन एनक्रिप्शन कर दिया फर्स्ट की से, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन गया वन टू और वन का, राइट। या फिर आप यहाँ पर की पेयर लेके चलो तीन, और तीनों का साइज होगा 64 बाइनरी बिट्स। दो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिपल डीईएस के अंदर। अब ये यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, कहीं कहीं मे बी इन शॉर्ट कहीं कहीं यूज होता हो, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको ये डीईएस तो अब, ठीक है। दिस इज योर ब्लॉक साइफर्स, जिनसे आपका एक्चुअल एनक्रिप्शन होता है, ठीक है। और ये दोनों ही आपके सिमेट्रिक साइफर्स हैं, इट मीन्स इनमें जो कीज यूज होगी वही एनक्रिप्शन के लिए भी यूज होगी और वही डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होगी। डन, ऑल गुड। देन वी गॉट स्ट्रीम साइफर्स, इसको नीचे ले लेते हैं। सो लेट्स जस्ट कट इट फ्रॉम देयर एंड लेट्स पेस्ट इट डाउन, इसको ले लो नीचे और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जस्ट। डन, ओके। अब बात करते हैं स्ट्रीम साइफर्स की। सो लेट्स गो विद स्ट्रीम साइफर्स, अल्टरनेट टू योर ब्लॉक साइफर्स, जहाँ पे हमारा ब्लॉक का साइज फिक्स था। स्ट्रीम साइफर्स में डिफरेंस इतना सा ही है कि आपका ब्लॉक साइज यहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा, आप यहाँ पर एक वेरिएबल ब्लॉक को लेकर चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात की जाए एल्गोरिथम्स की, तो दो कॉमन एल्गोरिथम यूज होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज योर साल्सा 20, उसका मॉडिफाइड वर्जन जो कि अब यूज होता है दैट वाज योर चचा 20। चचा बोलो चाचा बोलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तुम्हारे दो कॉमनली यूज्ड स्ट्रीम साइफर्स हैं, राइट। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ये हमेशा एक रेंज के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाचा के अंदर आप 8 बाइनरी बिट्स से लेके आपका 128 बाइनरी बिट्स तक इजीली एनक्रिप्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं लेट्स से आपके ब्लॉक साइफर्स की, मान लो मुझे एनक्रिप्शन करना है इस मैसेज का, हाय, ठीक है। यहाँ पर कितनी बाइनरी बिट्स हैं? तीन कैरेक्टर्स हैं, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमें पता है हर एक कैरेक्टर 8 बाइनरी बिट्स लेता है यूटीएफ के अंदर और आपके ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर भी, राइट। सो यहाँ पर बनते हैं 24 बाइनरी बिट्स, 8 24 होता है, तो ये 24 बाइनरी बिट्स हो गए। डन। अब अगर मैं इसको एनक्रिप्शन लेके चलूँ लेट से AES के साथ, तो मुझे यहाँ पर 128 बाइनरी बिट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 24। इस केस में आपको यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन, इसकी मैंने कल बात की थी, जो कि आपका ECB, CBC, GCM, OFB, बहुत सारे मोड ऑफ ऑपरेशन है जो कि आपको आगे एनकाउंटर होने, मतलब आप आगे एनकाउंटर करोगे इनको। लेकिन मोड ऑफ ऑपरेशन का यूज क्या है? आप सिंपली इसके अंदर पैडिंग्स ऐड करते हो। लेट से मुझे कंप्लीट करने थे 128 बाइनरी बिट्स, लेकिन मेरे पास है 24, इट मींस मुझे यहाँ पर 104 बाइनरी बिट्स और चाहिए, राइट। इन्हें कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे ऐड करते हो नल बिट्स को, जीरोज ऐड करते हो आप, ताकि आप ये ब्लॉक साइज कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। इसको आप जनरली बोलते हो पैडिंग। आपको ये पैडिंग मेनली देखने को मिलेगी आपके असिमेट्रिक साइफर्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक में यूज नहीं होती, सिमेट्रिक में भी यूज होती है आपकी पैडिंग, लेकिन असिमेट्रिक में हमेशा आपको पैडिंग देखने को ही मिलेगी, राइट। एक कॉमन पैडिंग एल्गोरिथम इज PBKDF2 है शायद, हाँ आपने बता रहा हूँ भाई, वही आऊंगा मैं, अभी आऊंगा, वही आ रहा हूँ मैं।
वहीं पहुंचेंगे अभी, जस्ट मोड ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करूंगा, मुझे याद है वो। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमनली यूज पैडिंग एल्गोरिथम, इसको आप बोलते हो पब्लिक बेस्ड की डेरिवेटिव फंक्शन, जो ये अलग है। पैडिंग के एल्गोरिथम का नाम मैं भूल गया भाई, जो भी था देख लें खैर वो भी। लेकिन आपको जनरली पैडिंग देखने को मिलेगी जिसमें आप नल बाइनरी बिट्स को ऐड करते हो टू कंप्लीट द ब्लॉक साइज, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मुझे यहाँ पर यूज करना होता चचा 20, राइट, इसमें ब्लॉक साइज क्या है 8 से लेके 128 तक, हमारे पास कितने बिट्स हैं 24 रेंज के अंदर हैं, तो हमें यहाँ पर कोई पैडिंग की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली एनक्रिप्ट कर पाएंगे, राइट, विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ पैडिंग हम इसको डायरेक्टली एनक्रिप्ट कर पाएंगे। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम साइफर्स का। लेकिन लेकिन अब एक चीज और आती है यहाँ पे, आपके ब्लॉक साइफर्स ज्यादा सिक्योर कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू योर स्ट्रीम साइफर्स, राइट। तो जनरल केस में और 90% केस में आप ब्लॉक साइफर्स को ही एनकाउंटर करोगे और आपको वही यूज होते हुए मिलेंगे, राइट। एक चीज और, कोई भी स्ट्रीम साइफर अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है बाय NIST, ठीक है, कोई स्ट्रीम साइफर स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है बाय द NIST, ठीक है, जहां तक मुझे याद है लास्ट। लेकिन इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज देम, ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट ये सिक्योर कंसिडर नहीं होते। डन। तो ये आपके दो मेन टाइप्स हैं फॉर योर टाइप्स ऑफ साइफर्स और टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, यू कैन से, राइट। हर एक के बारे में तीन चीजें हमेशा याद रखना, और कॉमनली AES करो तो हमेशा याद रखना एटलीस्ट, ठीक है। नाउ अब चलते हैं आपके मोड ऑफ ऑपरेशंस की तरफ, उसके लिए वापस जा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो आपको सिंपल दिखा दूं, पिक्टोरियल इजी रहेगा आपके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा इजी रहता है। सो वी विल गो विद मोड ऑफ ऑपरेशंस। ये सिंपली अगर देखा जाए तो आपका जो पैटर्न है इनक्रिप्शन का, ये सिर्फ उस पैटर्न को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। कॉमनली आपको वहां पे मिले, आपको वहां पे मिलेगा GCM, गैलियोस काउंटर मोड बोलते हैं मेनली उसको, लेकिन कॉमनली आपका ECB और CBC यूज होते हुए मिलेगा आपको कॉमनली, क्योंकि वेबसाइट पे आपका GCM ज्यादा यूज होता है। कॉमन एनक्रिप्शन के लिए आप यूज करते हो आपका नॉर्मल ECB, ये आपका नॉर्मल एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, मतलब एक सिंपल पैटर्न है कि एनक्रिप्शन होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन है वो यहाँ पर है इस ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन के अंदर, राइट। आपने आपका प्लेन टेक्स्ट आपका इनपुट दिया, आपने यहाँ पे की पास की, फंक्शन के अंदर दोनों कीज गई, सॉरी फंक्शन के अंदर आपने की पास की, इनपुट पास किया, एंड यू गेट योर साइफर टेक्स्ट। ये आपका एक ब्लॉक की बात कर रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ECB, रिवर्स में इसका डिक्रिप्शन प्रोसेस है, आपने साइफर टेक्स्ट का एक ब्लॉक डाला अंदर, की पास की, एंड यू विल गेट योर प्लेन टेक्स्ट, सिंपल केस। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे CBC साइफर ब्लॉक चेनिंग की, तो आपको यहाँ पर की के साइड बाय साइड एक IV भी पास करना होता है एज इनिशियलाइजेशन वेक्टर। जनरल केस में ये आपका इंक्रीमेंट होता रहता है फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट पास किया जो मेरा नॉर्मल मैसेज था, मैंने खुद से एक कस्टम IV, ये भी अगेन आपका स्पेसिफिक कस्टमाइज होता है, आप जो देना चाहो ले सकते हो, कोई इशू नहीं होता इसमें। आपका यहाँ पे IV XOR होगा प्लेन टेक्स्ट के साथ, ये सिंबल आपका XOR को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो सर ये डिक्रिप्शन में तो फिर सेम होना चाहिए ना हमारे पास, हाँ इनिशियलाइजेशन में बिल्कुल सेम होना चाहिए डिक्रिप्शन में, ये इसका डिक्रिप्शन प्रोसेस है। डिक्रिप्शन में तो एकदम सेम होगा तभी तो इनिशियलाइजेशन पर जैसे आप बोल रहे हो कुछ भी ले सकते हैं, डिक्रिप्शन में तो जैसे 1 2 3 4 लिया तो डिक्रिप्शन में तो डिक्रिप्शन में भी 1 2 3 4 लिया, हाँ सेम ही लोगे वो तो, लाइक मतलब तो वही है स्ट्रीम साइफर्स का कि आपको सेम ही की यूज करनी पड़ेगी, सेम ही IV यूज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ की नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, दोनों ही सेम होने चाहिए, दोनों ही सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर लेके चलूं ऑनलाइन AES कोरी, इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट्स से मेरा मैसेज है सिंपल
हाय बड़ी, मैं अभी यहाँ पे सीबीसी को ही लेके चल रहा हूँ, साइबर ब्लॉक चेनिंग को। की का साइज मैंने लिया 128 बिट्स, इट मीन 16 कैरेक्टर्स। मैंने आईवी डाल दिया, कुछ भी आईवी का साइज भी 16 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज आप जब भी एग्जोर करते हो तो आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका एग्जोर ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो ये भी आपका 128 बाइनरी बिट्स और इसे 16 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए। की का साइज आप जो लेना चाहो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आईवी का साइज हमेशा 128 बाइनरी बिट्स ही रहेगा, ये चीज फिक्स है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? और ये आपका 16 कैरेक्टर्स। मैंने की में डाल दिया लेट से अपना नाम, सो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, 4, 4, 8, 1, 9, 10, 12, 2, 14, 2, 16, ये लो 16 कैरेक्टर्स हैं। Base64 एनकोडेड आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पे, एंड लेट्स गो विद द एनक्रिप्शन। ये हमारा आउटपुट आ गया, इसे कर लेते हैं कॉपी। अब अगर मुझे डिक्रिप्शन करना है, राइट, सेम मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा, सीबीसी, की का साइज सेम रहेगा। मैंने आईवी में लेट से एक हल्की सी भी अगर मिस्टेक कर दी, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 2, ठीक है? की मैंने सेम ली है, डन। एंड इफ आई गो विद डिक्रिप्शन तो वो देगा हमें एरर, ठीक है? ये नॉर्मल केस है, हमारी की सेम होगी शायद, तो की हमारी सेम है, डन। तो इसमें कोई इशू नहीं होता, आपकी आईवी और की दोनों ही अगर सेम होंगी तो ही आपका डिक्रिप्शन होगा। ये आपका एक एडिशनल लेयर भी ऐड करता है सिक्योरिटी के लिए, साइड बाय साइड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बनता है, इसका जो आउटपुट रहेगा वो ब्रेक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, एक ये भी प्लस पॉइंट है यहाँ पे, राइट? तो ये सिर्फ आपके लिए एक पैटर्न को डिसाइड करता है आपका एनक्रिप्शन होगा कैसे, ऑपरेशन सेम रहेंगे लेकिन पैटर्न हल्का सा चेंज रहता है जस्ट। ये आपका एनक्रिप्शन है सीबीसी का, कि आपने प्लेन टेक्स्ट पास किया, आईवी पास किया, उसको एग्जोर किया दोनों को, उसका जो आउटपुट आया देन उसके ऊपर एनक्रिप्शन परफॉर्म किया है आपने, ठीक है? एनक्रिप्शन का जो आउटपुट आया आपका, जो साइफर टेक्स्ट आया वो नेक्स्ट ब्लॉक का आईवी बनेगा, राइट? ये चलता है नॉर्मल पैटर्न सीबीसी के अंदर, क्लियर? और ये इसका नॉर्मल डिक्रिप्शन प्रोसेस है। हाँ आई ये दूसरा बनेगा, जो हमें मिला वो मिला है वो आई बनाएगा। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉक के लिए जो सेकंड ब्लॉक होगा उसका आई भी बनेगा, पिछले ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट। भाई अब तुम्हें सिक्योरिटी भी चाहिए तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम तो यूज करने पड़ेंगे। मैं अभी तक लाइक इन ब्लॉक्स के अंदर नहीं पहुंचा हूँ, जो एक्चुअल तुम फंक्शंस यूज करते हो एईएस के, वो तो तुम्हें बताया भी नहीं मैंने। जो तुम्हारे मैथमेटिकल फंक्शंस तुम यूज करते हो उनके ऊपर तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ अभी, कि इन फंक्शंस के अंदर क्या चलता है एक्चुअल में, मैं वहां तो गया भी नहीं अभी। मैंने तुम्हें सिंपल इसका एक यू कैन से लाइक ओवरव्यू दिया है जस्ट, एक्चुअल एनक्रिप्शन का एईएस का, ठीक है? सिर्फ मोटा मोटा समझ लो, मोटा मोटा समझ लो बस, कि ये कुछ होता है दुनिया में। आराम से थोड़ा टाइम देके इसको समझना, इतना टफ नहीं है, ठीक है? डन। हाँ, तो ये कॉमन दो आपके मोड ऑफ ऑपरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ईसीबी और आपका सीबीसी। इसके अलावा भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे चलू, ये आपका पीसी, बीसी आता है प्रोपगेटिंग साइफर ब्लॉक चेनिंग। यहाँ पर आपका साइफर टेक्स्ट और आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो दोनों एग्जोर होंगे, देन नेक्स्ट ब्लॉक का आपका आईवी बनता है, इतना सा है। आपके नॉर्मल सीबीसी के अंदर साइफर टेक्स्ट डायरेक्ट आईवी बन रहा था, लेकिन इसमें प्लेन टेक्स्ट तो एग्जोर होगा साइफर टेक्स्ट के साथ, देन आईवी बनेगा, ये पैटर्न है, ठीक है? दोनों का मिक्स होके बनता है। हाँ, दोनों का मिक्स होके जो सिंगल आउटपुट आएगा वो बनेगा यहाँ।
ठीक है। हाँ डन। इसके अलावा आपका CFB चलता है, साइफर फीडबैक बोलते हैं मेनली इसको। इसमें आपका एक्चुअल एनक्रिप्शन कभी प्लेन टेक्स्ट पे होता ही नहीं। इसमें जो एनक्रिप्शन होता है वो होता है IV के ऊपर। आप जो IV पास करोगे उसके ऊपर एनक्रिप्शन होगा। एनक्रिप्शन का जो आउटपुट आएगा उसका एग्जोर किया जाएगा प्लेन टेक्स्ट के साथ, और एग्जोर का जो आउटपुट आएगा वो होगा आपका साइफर टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल एनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट पे नहीं होता, साइफर फीडबैक के अंदर आपका IV एनक्रिप्ट होता है जो, ठीक है। और इसका रिवर्स प्रोसेस इसका डिक्रिप्शन पार्ट है जस्ट। इसके अलावा आपका आउटपुट फीडबैक आता है, ये थोड़ा सा इसकी जो स्पीड है वो फास्ट है, बिकॉज इसमें आप एडवांस में आपका जो एनक्रिप्शन पोर्शन है वो कैलकुलेट करके रख सकते हो। मान लो आपके पास IV है, की है, बट आपको प्लेन टेक्स्ट अभी नहीं मिला है, इवन देन आप वहां पे 150, 200, 250, 2500, 2,50,000 एनक्रिप्टेड वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो हर एक ब्लॉक के लिए, राइट। उनको एक एरे में स्टोर कर लो कि मेरे पास पहली वैल्यू ये आई, सेकंड वैल्यू ये आई, थर्ड वैल्यू ये आई। आपका जब इनपुट आए उस इनपुट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो और उस इनपुट को एग्जोर कर दो आपके एनक्रिप्टेड वैल्यू के साथ। तो ये थोड़ा सा आपकी जो स्पीड होती है एनक्रिप्शन की उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है, लेकिन ये इतना यूज नहीं होता OFB, ठीक है। देन ये इसका नॉर्मल डिक्रिप्शन प्रोसेस है। इसके बाद हमें मिलता है हमारा लाइक डिक्रिप्शन भी फास्ट है, एनक्रिप्शन भी फास्ट है OFB में। भाई सबसे कम सिक्योर ये आता है, जहां भी तुम्हारा लाइक एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट नहीं होता ना, वो हमेशा लेस सिक्योर माना जाता है मोड ऑफ ऑपरेशंस में, इसीलिए ये इतने यूज नहीं होते तुम्हारे। CFB हो गया, आपका PCBC हो गया, OFB हो गया, जहां पे आपका प्लेन टेक्स्ट एग्जोर हो रहा हो वहां पर आपको लाइक कभी भी व्हाट वी कॉल इट लाइक बहुत कम यूज होते हुए मिलेगा आपको वो मोड ऑफ ऑपरेशन, राइट। अब लेट्स से अगर तुम्हें मान लो एक कोई एप्लीकेशन चल रही है इंट्रानेट पे, ठीक है। अब तुम्हें वहां पे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन इतनी टफ सिक्योरिटी नहीं चाहिए तुम्हें, वहां पे चाहिए एक फास्ट कम्युनिकेशन, राइट, जहां पे तुम्हारे कम रिसोर्सेज कंज्यूम हो, वहां पे तुम इसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज लोकल नेटवर्क है वो तुम्हारा एक, राइट। बाहर कहीं पब्लिक में एक्सपोज नहीं है, सिक्योरिटी की सिक्योरिटी मिल गई और रिसोर्स भी कम यूज होंगे, उस केस में ये चीजें काम करती हैं, लेकिन पब्लिक में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो इनके अलग अलग यूज केस हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। डन। एक और आता है आपका CTR बोलते हैं इसको, नॉर्मल काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपका एक रैंडम नंस वैल्यू होती है, ये हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन इस नंस के साथ आपको हमेशा एक काउंटर वेरिएबल मिलता है, इसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है हर एक ब्लॉक के साथ। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ऑपरेशन आपका काउंटर वैल्यू 0, सेकेंड 1, थर्ड के लिए 2, देन 3, 4, 5, 6 चलता रहेगा आपके ईच एंड एवरी ब्लॉक के साथ, इंक्रीमेंटल वैल्यू चलती रहेगी ये, ठीक है। बाकी आपका एनक्रिप्शन हमेशा इस वैल्यू पे ही हो रहा है, नंस और काउंटर के ऊपर, प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर भी एग्जोर हो रहा है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल CTR बोला जाता है, ये इसका रिवर्स प्रोसेस एंड ये आपकी कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन। अब अगर मैं बात करूँ गैलियोस की, तो गैलियोस आपको मिलता है यहाँ पर ऊपर भी, ये है आपका नॉर्मल गैलियोस का पैटर्न, राइट। GCM गैलियोस काउंटर मोड बोलते हैं इसको मेनली। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू IV दी, ना आपने काउंटर वहाँ पे ऐड किया, देन काउंटर आपका आगे इंक्रीमेंट होगा, काउंटर 2 के पास जाएगा, आपका जो काउंटर 0 था उसके ऊपर एनक्रिप्शन परफॉर्म होगा और वो आपका एट द एंड एग्जोर होगा ऑथ टोकन के साथ में, राइट। अब यहाँ पर आपके अलग अलग मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाई एच, और आपका डेटा यहाँ पर एग्जोर होता है एनक्रिप्टेड वैल्यू के साथ, जिसका आपको साइफर टेक्स्ट मिलता है वो अगेन एग्जोर होगा, आपको अगेन आउटपुट मिलेगा, एंड देन दोनों आपके जो दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं साइफर टेक्स्ट 1, साइफर टेक्स्ट 2, उन दोनों का जो एग्जोर होगा वो अगेन मल्टीप्लाई होगा, देन आपको उसकी लेंथ मिलेगी अलग से, वो अगेन मल्टीप्लाई होगी, देन अगेन एग्जोर होगा, एंड देन आपको मिलता है एक ओथ टैग। ये अलग लेवल पे चलता है आपका हमेशा GCM, राइट। ये नॉर्मल केस है।
लेकिन सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला आपका GCMP है फॉर ऑल ऑफ योर वेबसाइट्स, मोस्ट ऑफ योर वेबसाइट यू कैन से ऑल ऑफ देम ना मानो तो मोस्ट ऑफ देम मान के चलो, ठीक है, चाहे विकिपीडिया ले लो, कोई भी पिक कर सकते हो तुम्हारी मर्जी की वेबसाइट। डन, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट क्लियर है? ऑल गुड देन। मिस थोड़ा बाद में दिखाऊंगा फिर मैं ये चीज एक और। ओके, तो ये तुम्हारी बेसिक समरी जो तुम्हारी रहती थी एनक्रिप्शन के लिए, देन जिसको आप लोग यूज करते हो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। इसके बाद अब मूव करते हैं टुवर्ड्स योर हैशिंग पार्ट फॉर द इंटीग्रिटी। All good. So let's go with this one and let's talk about integrity. Integrity का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर आपकी डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है तो आप उसे कैसे फिगर आउट करोगे और मॉडिफिकेशन को कैसे अवॉइड करोगे, राइट? अवॉइड करने के लिए सिंपल थिंग है कि आप एनक्रिप्शन यूज करो, लेकिन फिगर आउट कैसे करोगे कि एनक्रिप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपके मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स अगेन यूज होते हैं एंड वी कॉल देम हैशिंग एल्गोरिथम। अगर आप चाहो तो आप सिंपल पैरिटी बिट्स को भी यूज कर सकते हो, वो आपकी कॉल है, लेकिन पैरिटी बिट्स कभी भी सिक्योर नहीं होती, वो आपके जनरली एरर करेक्शन के लिए ज्यादा फॉलो होती है, राइट? तो इसको भी के लिए पैरिटी बिट्स, लेट्स से कैसे मतलब ये जैसे मान लो तुम्हारा डेटा था 8 बाइनरी बिट्स का, ठीक है, उसको मान लो मैंने शॉर्ट कर लिया 6 पे और मैंने वहां पे खुद से कस्टम 2 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर दी। तो फिर मान लो मैंने 6 बाइनरी बिट्स उठाई डेटा में से, ठीक है, और वहां पे 2 कस्टम बाइनरी बिट्स, हाँ क्या भाई मैं बात समझ नहीं पाया, व्हाट डू आई मीन बाय कस्टम बाइनरी बिट्स? ओके, सिंपल ले लो, ये लो, जनरल केस में होता क्या है पैरिटी बिट्स के केस में, ये ले लो 1 2 3 4, ये कुछ भी ले लो, 0 1 0 1 जो तुम्हारा मन करे, कितना हो गया 4 और 4 8, डन, ठीक है, ये आपकी 2 बाइनरी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब लेट्स से तुमने इनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे XOR ही ले लो, तो सिंपल मान लो एंड ऑपरेटर लिया आपने, और ऑपरेटर लिया, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करते हो कि ये 2 वैल्यूज स्टार्टिंग की 2, इसके स्टार्टिंग में क्या है 1 है हमारा, इसके स्टार्टिंग में क्या है 0 है हमारा, राइट? अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो विद और ऑपरेटर तो इसका आउटपुट आएगा 1, ठीक है, यहाँ पर भी आउटपुट आएगा आपका 1, यहाँ पर भी अगेन 1 1 1 1 1 एंड 1 एंड 1, सारे 1 हो गए, तो 1 1 1 1 1 का भी 1 भाई 1 1 का भी 1 आता है अगर मैं सिंपल और ऑपरेटर लेके चलूंगा, तो मैं सिंपल और ऑपरेटर लेके चलाऊं, अगर दोनों में से कोई भी एक एक्टिव है तो वो 1 ही आता है, अगर दोनों एक्टिव है तो भी 1 ही आता है और ऑपरेटर में, ये नॉर्मल पैटर्न है उसका, राइट? जैसे मुझे यहाँ पर ये आउटपुट मिला, ठीक है, मैं जब भी ये 2 बाइनरी बिट्स ट्रांसमिट करूंगा या तो मैं अब साइड बाय साइड ये भी ट्रांसमिट करूं, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 2 बाइट्स की जगह 3 बाइट डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ये बाइनरी बिट करप्ट हो गई और यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है, मैं इस चीज को, इस एरर को इजीली फिगर आउट कर पाऊंगा विद हेल्प ऑफ दिस वन, ठीक है, यहाँ पर तो 1 है ये और ऊपर दोनों में 0 है, इट मीन्स या तो ये फर्स्ट वाली जो बाइट थी ये करप्टेड है या फिर ये सेकंड वाली बाइट करप्टेड है, ठीक है, उस केस में हाँ उस केस में आप दोनों को चेक करते हो कि दोनों में से वैलिड कौन सा दिखता है आपको, फॉर एग्जांपल, राइट, आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इसको 1 करोगे उस केस में या फिर आप इसको 1 करोगे, जो भी आपका एक बेटर, एक लेट्स से व्हाट वी कॉल इट, क्या बोलते हैं, एक बेटर मीनिंग क्रिएट करता है आपका, राइट,
उसको आप रखते हो एज अ वैलिड वैल्यू और सेकंड वाले को आप रख देते हो दोबारा से जीरो, राइट। इस टाइप के मैथमेटिकल चेक्स चलते हैं ताकि आप एरर्स को हैंडल कर पाओ। नॉर्मल पैटर्न ये है, इनको आप बोलते हो पैरिटी बिट्स। ये एक सिंगल बाइनरी बिट भी हो सकती है, मल्टीपल बाइनरी बिट्स भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये मेनली एरर चेकिंग के लिए यूज होती है। पैटर्न ये है बस, डन। हमें अभी एरर के बारे में बात नहीं करनी, हमें मेनली बात करती है हमारी सॉरी बात करनी है हमारी इंटीग्रिटी के बारे में कि अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो कैसे फिगर आउट करेंगे हम, राइट। उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा आपके हैशिंग एल्गोरिथम्स को। हैशिंग एल्गोरिथम्स को जनरली जनरली हैश क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। हैश का मतलब क्या है, आपने लेट से इसको इन शॉर्ट आप वन वे एनक्रिप्शन भी बोलते हो। अब लेट से आपने एनक्रिप्शन कर दिया, ठीक है, आपका एनक्रिप्टेड वैल्यू आ गई कुछ ये, दिस इज योर लेट से एनक्रिप्टेड वैल्यू, राइट। आप इस एनक्रिप्टेड वैल्यू को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है, कोई चांस ही नहीं है डिक्रिप्ट करने का वहां पे, राइट। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जो कि आपको हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट देता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा हाई, ठीक है, मुझे आउटपुट मिला कुछ ये, अगर मैंने इसमें लिया कैपिटल एच डबल आई और मुझे आउटपुट मिला कुछ ये, राइट, इट मींस अगर दो अलग अलग इनपुट्स हैं तो आपका आउटपुट भी दो अलग अलग ही आएंगे, राइट। और ये यूनिवर्सल रहता है आपके हर एक एल्गोरिथम में, अलग अगर इनपुट अलग है तो आपका आउटपुट भी अलग ही आएगा, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ वन वे एनक्रिप्शन जिसमें आप इनपुट से आउटपुट डिराइव कर सकते हो लेकिन कभी भी आउटपुट से दोबारा इनपुट डिराइव नहीं होगा, आप डिक्रिप्शन नहीं कर सकते वहां पे उसको, राइट। हाँ, इसमें आप आउटपुट से दोबारा इनपुट डिराइव नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ये कॉमन थिंग है आपके हैश के बारे में। एक चीज हो, हैश का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक फिक्स लेंथ का ही होगा, आपका इनपुट किसी भी लेंथ का हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक सिंगल बाइनरी बिट हो चाहे 1.5 करोड़ बाइनरी बिट हो फर्क नहीं पड़ता उसको, राइट। वो हमेशा एक फिक्स, हाँ, यूज कहाँ होता है, क्या हैश यूज कहाँ होगा, क्योंकि एक बार जब हमने अगर कोई डाटा फिट कर दिया तो हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक हमें डिक्रिप्ट करना ही क्यों है, यहाँ लेके चलो एक बार, लेट्स से मैं अभी लेके चल रहा हूँ SHA-256 को, इसको इन शॉर्ट आप बोलते हो SHA, जो पूरा नाम है वो है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम, सिक्योर हैश एल्गोरिथम बोल लो, हैशिंग एल्गोरिथम बोल लो, तुम्हारी कॉल है। यहाँ जो 256 लिखा है इसका मतलब है जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो 256 बाइनरी बिट्स का होगा, डिजिट्स नहीं, बिट्स, बाइनरी बिट्स का होगा वो। अब मैं अगर यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर डालता हूँ तो भी 256 बाइनरी बिट्स ही होंगे वहां पे, मैं अगर मल्टीपल आउटपुट वैल्यू डालता हूं तो भी वो 256 बाइनरी बिट्स ही रहेंगे, ठीक है। अब लेट से मैंने एक मैसेज लिखा, हे बर्डी कॉल मी, ठीक है। आप जब भी कोई मैसेज या फिर कोई भी डेटा सेंड करते हो, राइट, हमेशा उस डेटा की एक हैश वैल्यू कैलकुलेट होती है ये, राइट। डेटा के साथ आपकी ये हैश वैल्यू भी ट्रांसमिट होती है ताकि जो रिसीवर है वो उसको दोबारा कैलकुलेट करके इसकी इंटेग्रिटी को वेरीफाई कर पाए, राइट। अब लेट से मैंने ये मैसेज आपको पास कर दिया, ठीक है, आप क्या करोगे, आप सेम हैशिंग एल्गोरिथम के साथ इसका हैश कैलकुलेट करोगे। अगर आपका जो आउटपुट आया है, आपने जो हैश कैलकुलेट किया है वो मेरे हैश के साथ मैच हो जाता है, एग्जैक्टली मैच, तो ही आप इसको ट्रस्ट करोगे, वरना ये डेटा आपके लिए करप्टेड रहेगा, आप इसको ट्रस्ट नहीं करोगे। मतलब सर जो इंक्रिप्शन वैल्यू है वो डिटो सेम होनी चाहिए, डिटो सेम होनी चाहिए, ये जैसे कैपिटल स्मॉल ए है तो कैपिटल ए आ गया तो वो एकदम एरर है लाइक आउटपुट में, हां नहीं आउटपुट में कैपिटल आउटपुट, हां
जैसे आपने ये हाई वेडिंग कोड लिखा, हाँ जैसे मान लो फर्स्ट आपने एट है, एट की सेवा, तो आपने मैंने आप मतलब ये मैसेज मैंने भेजा है एट देखता हूँ, मेरा एट की सेवन की जगह 86 आ गया, तो ये एरर है। तो ये एरर है, अगर इसमें एक में भी आपका लेक्सेज वेरिएशन आता है ना, तो वो करप्टेड है आपका फिर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक वैल्यू ही चेंज होगी आपकी, नहीं, हैशिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। इसका मतलब ही ये है, अगर आपके इनपुट में एक सिंगल बाइनरी बिट का भी चेंज हुआ ना, तो आपके आउटपुट में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा अगर एक सिंगल बाइनरी बिट का भी चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हमारे AES टेबल, AES नहीं, आपकी ASCII टेबल की, इसको दोबारा यही खोल लेते हैं। सो जैसे अब यहां पर ले लो, कोई भी कैरेक्टर उठा लो जो तुम्हारा मन करे, इसको ले लेते हैं। कैपिटल ए जो है हमारा वो है 65, राइट, कैपिटल बी है हमारा 66, इन दोनों में सिर्फ एक बाइनरी बिट का ही डिफरेंस है। मैं अगर लेट से लेके चलूं ASCII टू बाइनरी, और मैं यहां पर लेता हूं लेट से कैपिटल ए, राइट, तो मेरा आउटपुट आया 0 1, और ये कुछ 6 times 0 और 1, ठीक है। मैं अगर उसको सिंपल कैपिटल बी में कन्वर्ट कर दूं, या फिर उसको ऊपर नीचे ले लेते हैं ये लोग, डन, जो मेरा आउटपुट आया उसमें सिर्फ एक बाइनरी बिट चेंज हुई है, वरना ए बी मत लो, ये लो बी सी ले लो, तुम्हें सिर्फ एक बाइनरी बिट का ही चेंज दिखेगा फिर उसमें। ये जो लास्ट बाइनरी बिट है सिर्फ ये चेंज हुई है 0 से 1 में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको लेट्स इसका हैश कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया कैपिटल बी, तो इसका हैश आया कुछ ये, इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, डन। अब मैं यहाँ पर लेट से हैश लेके चलूंगा कैपिटल सी का, ठीक है, एक सिंगल बाइनरी बिट चेंज हुई है जस्ट, ये इन दोनों में डिफरेंस है, हाँ, इसको बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। सर तो इसके अंदर आपने जैसे बता दिया कि एक फिक्स नंबर रहता है टू, हाँ, तो वैसे तो इसके अंदर तो देखो एक डिजिट ज्यादा नहीं है क्या? नहीं, ये आपका हेक्स फॉर्मेट है भाई, हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। अगर लेट्स से मैं इसे कन्वर्ट करूं हेक्स टू बाइनरी, तो ये आपका हेक्स वैल्यू थी, ये आपकी बाइनरी वैल्यूज हैं। अब अगर मैं इसे कॉपी करूं और यहां चलते हैं नोटपैड पे, नहीं भाई नहीं है ज्यादा, नहीं है एक वर्ड भी ज्यादा नहीं है, ये है आपके 256 कैरेक्टर्स, जो मेरा नेक्स्ट जहां मेरा कर्सर है ना वो है 257, ये नीचे यहाँ पे दिख रहा है देखो, लाइन 1 257 पे मेरा कैरेक्टर है, राइट, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है 0, सेकंड 1 2 3 4, ये आपके 256 बाइनरी बिट्स हैं। आपका जो आउटपुट आएगा वो जनरली हैक्स रिप्रेजेंटेशन में मिलेगा आपको हैश का, राइट, बिकॉज हैक्स का जो कैरेक्टर सेट है उसमें आपके लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स है एफ तक, और न्यूमेरिक वैल्यूज है 0 to 9, राइट, जो कि आपको लगभग हर एक लाइक यू कैन से कैरेक्टर सेट में मिल जाता है इजीली, तो रिप्रेजेंट करना आसान है वहां पे, राइट, इसलिए अगर आप इसको ASCII में लेना चाहो, सो लेट्स से मैं अगर लेके चलूं एक्स टू ASCII में अगर करता हूँ यहाँ पे, तो वो मोजीबा के कैरेक्टर्स देगा फिर हमें वहां पर, जो कि रिप्रेजेंटेबल नहीं है ये, हाँ, तुम इन डिब्बों को तो लिख नहीं सकते, लेकिन तुम ये हैक्स कैरेक्टर सारे इजिली टाइप कर सकते हो, राइट, इसीलिए मेन तुम्हारा एनकोडिंग का रोल बनता है यहाँ पर, कि तुमने हैक्स को एनकोड कर दिया ASCII में, ASCII से एनकोड कर दिया हैक्स में,
सिंपली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांसलेशन चल रहा है जस्ट, और कुछ नहीं है। डन है, ठीक है। अब एक सिंपल सिनेरियो लेके चलते हैं। उससे पहले एक चीज और, हैश की एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, दैट वाज एवलांच इफेक्ट, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट वाज कोलिजन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, अगर आपके दो अलग अलग इनपुट्स हैं, किसी भी लेंथ के हो फर्क नहीं पड़ता, आपके कभी भी दो अलग अलग इनपुट्स के लिए आपका आउटपुट सेम नहीं आएगा, कभी भी दो अलग अलग इनपुट्स के लिए आपका आउटपुट सेम नहीं आएगा, ये चीज फिक्स है, राइट। अगर आपका आउटपुट सेम आता है किसी भी कंडीशन में, उसको आप बोलते हो हैश कोलिजन। अगर आउटपुट सेम आता है तो उसको बोलोगे कोलिजन। तो सर जैसे हाँ, जैसे आपने यहाँ लिखा हाई, तो हाई के लिए हैश वैल्यू आई वो हर बार डिफरेंट होगा मतलब? नहीं, अगर यहाँ पर आपने सेम स्पेलिंग्स यूज, आपने अगर सेम स्पेलिंग ली है, सेम लेट्स से लाइक अपर केस लोअर केस सब कुछ सेम ही है। देखो सर जैसे आपने हाई अभी लिखा तो अभी आया 487C6, अभी इसको डिलीट करके वापस लिखो एक बार। बेहतर रिलेट कर पाओगे इसको शायद। कर्वा डायग्राम याद है व्हाट्सएप वाला? ठीक है, उसको दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ मैं एक बार जस्ट। हाँ, उसको दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ मैं जस्ट एक बार। इस बार हम वहाँ पे हैश को भी इंक्लूड करेंगे ताकि हम मॉडिफिकेशन अवॉइड कर पाए, राइट। वहाँ तुम इसको रिलेट कर पाओगे बेहतर। नामकरण कर लो इसका, ये है हमारा राम और ये है हमारा श्याम, ठीक है। अब राम ने मैसेज लिखा हाय बॉडी, डन। इसकी एक हैश वैल्यू आई होगी, वो यहाँ से उठा लेते हैं। हाय बॉडी, ये हमारी हैश वैल्यू आई और इसको हमने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। साइज थोड़ा कम ले लेता हूँ बिकॉज काफी कैरेक्टर्स हैं उसमें, ठीक है। ये हमारा हैश आया उसका, ठीक है। आप जब भी ट्रांसमिशन करते हो तो आपकी एनक्रिप्टेड वैल्यू जाएगी। मान लो ये हमारी एनक्रिप्टेड वैल्यू है अभी के लिए हाई बॉडी, ठीक है, और ये हमारी हैश वैल्यू है। शाम को एनक्रिप्टेड वैल्यू मिलेगी हाई बॉडी, और उसको यहाँ पर सेम हैश भी मिलेगा, ठीक है। जब श्याम को ये मैसेज मिलेगा तो श्याम क्या करेगा, श्याम जाएगा दोबारा हैश कैलकुलेट करने, ठीक है। वो उस वैल्यू को डिक्रिप्ट करेगा और उसका एक हैश ले लेगा। मान लो ये हैश मिल गया श्याम को, डन। ये हैश था श्याम का और अब हैश लेते हैं राम के एंड से जो आया था वो यहाँ पर। श्याम इन्हें मैच करेगा, हाँ श्याम इन्हें मैच करेगा। अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल आते हैं ना तो ही श्याम राम के मैसेज को ट्रस्ट करेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा हाँ, मतलब ये है कि ये हर बार स्क्रिप्ट तो सेम आ रही है जैसे हाई हाई, हाँ, तो सर ये तो फिर बहुत आसान फॉर्मेट हो गया मतलब ट्रैक करना कि हमें सेम वैल्यू ही आई। मेरा मतलब ये है मतलब क्रैक करना आसान कैसे हो गया, मुझे बात समझाओगे थोड़ा? सर जैसे मान लो मैंने आप मैंने लिखा हाई बॉडी, ठीक है, वो भी अटैकर को मिल गया, ठीक है, और उसका एन्क्रिप्शन भी मिल गया, ठीक है। जैसे ही वो मान और फिर मान लो शाम ने भी देखा तो शाम ने जो देखा वो भी सेम। सर ये हर बार सेम मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका हर बार सेम ही तो फॉर्मेट सेम ही तो एन्क्रिप्शन वाली जैसी वो
यूज कर रहा है, लेकिन दूसरा मतलब एक वही हो गया, शेयरी हो गया कि हर बार रिपीट अलग की नहीं यूज करेगा इंक्रिप्शन की वजह से। इसमें भी काइंड ऑफ एक की यूज होती है, उसको तुम बोलते हो सॉल्ट, ठीक है। अब सर जैसे देखो आप यही देख लो, मैंने हाइब्रिड लिख रहे हो तो हर बार यही ही मिलेगा, हाँ हाइब्रिड लिख रहे हो हाँ हर बार, तो सर ये तो फिर इंक्रिप्शन के लिए बताना होगा कि हर बार अगर फॉर्मेट ही चेंज नहीं हो रहा है जैसे 3.5.7 भाई, तो सुनो हमेशा सुनो यही फॉर्मेट चलेगा ना। सुनो, पहली चीज तुम हैश को एनक्रिप्शन के साथ रिलेट मत करो, ठीक है। हैश सिर्फ वन वे एनक्रिप्शन बोला जाता है, काइंड ऑफ एनक्रिप्शन नहीं है वो, पहली चीज तो ठीक है। दोनों में हाँ दोनों में कंफ्यूज मत हो, एनक्रिप्शन अलग चीज है, हैश अलग चीज है। एनक्रिप्शन को तुम रिवर्स कर सकते हो, हैश को तुम कभी रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लेके चलो अभी के लिए, तब तुम बेहतर रिलेट कर पाओगे। जो तुम सिनेरियो बता रहे थे मैं वही जा रहा हूँ। वही बात है सर, जैसे मतलब लाइक कि किसी ने फटा हुआ नोट दिया, अगर वो सेम मिलते हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे, वो पुरानी फिल्म की तरह वरना आपको मिलेंगे। हाँ चीजें चीजें काइंड ऑफ वही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया यार तुम मिक्स कहाँ हो गए इसमें। जो तुम सिनेरियो बता रहे हो कि ठीक है अटैकर को इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में, यही तुम कह रहे हो ना, ठीक है अटैकर को इन्वॉल्व कर लो ये लो, लेकिन जब तुम्हारा एक्चुअल में हैश तुम क्रिएट करते हो तो वहां तुम्हारा मैसेज होता है, एक टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प मान लो अभी मैंने लिया 10/07/2022, ठीक है। स्पेस मैंने दे दिया टाइम 10:11, ठीक है। इसको 24 के फॉर्मेट में ले लो तो ये हो गया 22:11, ठीक है। अब तुम यहाँ पर सोल्ट ऐड करते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ राम और श्याम के लिए नोन होता है, सोल्ट वैल्यू सिर्फ राम और श्याम के पास है, अटैकर के पास सोल्ट वैल्यू नहीं है। मान लो सोल्ट वैल्यू यहाँ पे मेरा नाम, ठीक है, दिस इज योर सोल्ट वैल्यू। जब तुम हैश कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों वैल्यूज होंगी, हमारा हैश आ गया ये तुम्हारा होगा ट्रांसमिट, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो अभी तक का डन। अब लेट से अटैकर के पास एनक्रिप्टेड मैसेज पहुंच गया, मैसेज था हमारा हाय बडी, ठीक है। इसने मॉडिफाई कर दिया, मान लो इसने कर दिया बाय बडी, ठीक है। अब अटैकर ने क्या किया, हैश भी दोबारा कैलकुलेट कर दिया, मान लो इसने टाइम स्टैम्प भी सेम ले लिया, ठीक है। इसने मैसेज चेंज कर दिया वहां पर बाय बडी, लेकिन उसको सोल्ट वैल्यू नहीं पता, राइट, ठीक है। लेकिन उसने हैश कैलकुलेट कर लिया, उसका हैश आया ये, डन, ठीक है। ये चेंज हो गया। अब ये मॉडिफाइड वैल्यू पहुंचेगी तुम्हारे श्याम के पास, मैसेज था बाय बर्डी, ये तुम्हारी हैश वैल्यू। अब श्याम क्या करेगा, यहाँ पे श्याम के पास नई हैश वैल्यू है ये वाली, और पुरानी हैश वैल्यू है ये वाली, वो इन दोनों को कंपेयर करेगा जिस पर कुछ नहीं करेगा, वो ये चेक करने के लिए कि जो मैसेज मिला है वो सही है कि नहीं है, ये सिर्फ इंटीग्रिटी चेक करने के लिए है भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए तुम अलग से एनक्रिप्शन करोगे, इट मींस जो मैंने अभी नॉर्मली लिखा है बाय बडी या फिर हाय बडी वो अलग से एनक्रिप्ट होगा, उसके ऊपर AES का एनक्रिप्शन होगा पहले, ठीक है। एनक्रिप्शन का जो आउटपुट आएगा Base64, इसको तुम यहाँ पर हैश कैलकुलेट करते वक्त प्लेस करोगे, ये इसका हैश कैलकुलेट करोगे तुम, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न ये होता है। एक ऑप्शन और भी है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर प्लेन मैसेज भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ट्रांसमिशन में वैल्यू एनक्रिप्टेड ही जाएगी, AES के थ्रू एनक्रिप्ट होके फिर जाएगी वैल्यू, तो अटैकर को एनक्रिप्टेड वैल्यू मिलेगी, प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ मतलब हैश का काम ही वो है भाई, और कोई काम है ही नहीं हैश का।
हैश का इतना सा ही काम है बस, वो सिर्फ चेक करेगा कि हाँ आपका मॉडिफिकेशन ना हुआ हो कोई, इतना सा ही काम है इसका बस। तुम लोगों ने कल डाउनलोड किया है ना? ठीक है, यहाँ आ जाओ वापस, नॉर्मल डाउनलोड पेज है काली का। आ जा भाई, खुल जा, रिकमेंडेड। मैं आ गया बेयर मेटल पे, ठीक है। तुमने यहीं से फाइल डाउनलोड की होगी 2.7 GB की, है ना? तुमने मान लो फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब मान लो बीच में अटैकर आ गया नेटवर्क में, अटैकर ने इस फाइल में मेलवेयर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें जो फाइल मिली उसमें मेलवेयर भी है, अब तुम कैसे फिगर आउट करोगे कि तुम्हें जो फाइल मिली है वो असली फाइल है कि मॉडिफाइड फाइल है? उसके लिए हैश की बात आती है। जो तुम्हारा डेवलपर है, तुम्हें उसने तुम्हें एक हैश वैल्यू दी है, तुम्हें सिर्फ करना क्या है, जो फाइल तुम्हारे पास है उसका हैश कैलकुलेट करो और यहाँ कंपेयर कर लो, बस इतना सा ही काम है हैश का, और कोई काम नहीं है इसका। तुम्हें जस्ट फाइल्स की, डेटा की इंटीग्रिटी चेक करनी होती है, दैट्स ऑल। सही चलो अच्छी खबर है, ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट वाज योर डिजिटल सर्टिफिकेट्स। इसको यहीं ले लेते हैं। ऑल गुड, सो लेट्स गो विद रेड वन। ठीक है, अब ठीक है, जो तुम्हारा सर्टिफिकेट्स है उसका मेन यूज होता है ट्रस्ट के लिए। जहां भी तुम्हें ट्रस्ट प्रूफ करना हो, वेरीफाई करना हो ना, तुम वहां पे चेक करते हो डिजिटल सर्टिफिकेट को। एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हो, लेट्स से मैं दोबारा थोड़ी ड्राइंग करने वाला हूँ, बट शायद काम बन जाए उससे। लेट्स से तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मान लो करोड़ों में है, मान लो अभी के लिए। अब तुम्हें उस पैसे को सिक्योरली कहीं पे स्टोर करना है, ठीक है। अब तुम्हारा लाइक बैंक्स पे भरोसा नहीं है कि मैं कौन से बैंक में स्टोर करूँ, कौन सा बैंक मेरा पैसा प्रॉपरली रिकवर कर पाएगा प्रॉपर, अगर ऐसे बैंक डूब जाता है, कोई फ्रॉड ना हो, चोरी चकारी ना हो। हाँ, तो देख, तुम्हारे पास ट्रस्ट नहीं है अभी तक, ठीक है। मान लो तुम नए हो, तुम्हें आइडिया नहीं है, मान लो तुम लंदन गए हो, अब तुम्हें नहीं पता कि कौन सा बैंक सिक्योर है वहां पे, राइट। लेकिन तुम्हारा बिलीफ, लेकिन तुम मानते हो कि ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो जनरली सिक्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन वापिस दे देती है पैसे, मिल जाते हैं लगभग केस में, ठीक है। तो यहाँ ले लो, ये है हमारा कस्टमर, डन। अब लेबलिंग कर लेते हैं, जो हमारा कस्टमर है वो ट्रस्ट करता है गवर्नमेंट पे, ठीक है। गवर्नमेंट लेट से ट्रस्ट करती है तुम्हारे आरबीआई पे, और मान लो तुम्हारा आरबीआई ट्रस्ट करता है तुम्हारा एसबीआई पे, ठीक है। हमारा भरोसा कहाँ था? हमारा भरोसा था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे, तो मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट के पास, डन। ये हमारा ट्रस्ट सेट हो गया यहाँ पर, नॉर्मल पैटर्न। अब गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई, तुम एक काम करो, देखो मैं तो पैसे स्टोर करूंगा नहीं, तुम चले जाओ आरबीआई के पास, ये मेरा दोस्त है, तुम इसकी बात मान लो, ये सही बंदा है, संभाल लेगा तुम्हारे पैसे को, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं पैसे तुम्हारे डूबेंगे नहीं, डन। तुम आ गए आरबीआई के पास। अब आरबीआई कहता है भाई मान लो मैं तो बहुत बिजी हूँ, बस थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, तुम जाओ एसबीआई के पास, ये भी मेरा ट्रस्टेड बंदा है, दोस्त है मेरा अच्छा खासा, तुम यहाँ चले जाओ तो तुम अपना पैसा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, डन। अब ये सिंपल एक ट्रस्ट चेन है, जस्ट ये सिंपल एक ट्रस्ट चेन है। जो टॉप लेवल में है गवर्नमेंट लेवल पे, उसको तुम बोलते हो सीए, इन शॉर्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोला जाता है उसको, ठीक है। ये तुम्हारे टॉप लेवल पे होता है। जो तुम्हारा आरबीआई है, इसको तुम बोलते हो इंटरमीडिएट सीए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी,
एंड जो बिचोला। बिचोला जो तुम्हारा एसबीआई है वो होता है तुम्हारा सर्टिफाइड अथॉरिटी, जो कि तुम्हारा एक्चुअल में काम करेगा, राइट। यही सेम ट्रस्ट चेन तुम्हारे ब्राउजर्स वेरीफाई करते हैं, तुम्हारे जो विंडोज मशीन्स हैं वो भी वेरीफाई करती हैं तुम्हारे हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। तुम जो भी ईएक्सई फाइल डाउनलोड करते हो, हर एक ईएक्सई के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ट्रस्टेड कंसिडर नहीं होती। विंडोज तुम्हें उसके लिए अलर्ट देगा कि भाई ये ट्रस्टेड नहीं है, इसको इंस्टॉल मत करना। जैसे ये एक मान लो फाइल है, प्रिंटर की फाइल है ये, राइट, जेरोक्स की तरफ से है ये। मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज पे, तो मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, राइट। इस केस में मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे वो एरर देगा अलर्ट की कि भाई ये ट्रस्टेड नहीं है। एक जो पॉपअप आता है ना मेरे पास येस और नो का, मेनली वो इसकी वजह से भी हाँ आता है। मैं एक सिंपल फाइल दे लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ गया दोबारा ब्राउजर पे। सर वो तो आता हर एक है ना, हर एक के लिए नहीं आता वो, तुम्हारा दो केस में आता है। या तो तुम्हारी एप्लीकेशन ट्रस्टेड ना हो फर्स्ट थिंग, या फिर तुम्हारी एप्लीकेशन रजिस्ट्रीज को मॉडिफाई कर रही हो, फायरवॉल को मॉडिफाई कर रही हो, कुछ एक्सेप्शंस ऐड कर रही हो, तब आता है तुम्हारे पास वो पॉपअप अलर्ट। हर बार नहीं आता, हर केस में नहीं होता वो। तुम्हें इसका एग्जांपल मिल जाएगा, इसमें कौन सी एप्लीकेशन थी, एक एप्लीकेशन थी यार, सर विंडोज की खुद की एप्लीकेशन आती है लाइक। नहीं एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी, मैंने कुछ दिन पहले ही यूज की थी वो। ऑफिस का लैपटॉप था एक्चुअली। ऑफिस के लैपटॉप में आपको जब भी कुछ इंस्टॉल करना होता है तो वो अलर्ट मांगता है, एडमिन प्रिविलेज मांगता है वो हमेशा, अगर कुछ हाँ मॉडिफाई इसे करना होता हो क्योंकि तो। ऑफिस वाले एडमिन को लॉक करके देते हैं हाँ एक पता नहीं एप्लीकेशन सर। थी कौन सी थी, उसमें लाइक परमिशन नहीं मांगी थी उसने, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन थी एक एप्लीकेशन। अभी के लिए मान लो नॉर्मल फायरफॉक्स ले रहा हूँ, हमने सबने इसको यूज किया होगा आई एम श्योर। मतलब कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, फायरफॉक्स, क्रोम, वीएलसी, जो तुम लेना चाहो तुम्हारी मर्जी है। इसे कर लेते हैं डाउनलोड, नॉर्मल इसकी ईएक्सई फाइल है, डाउनलोड हो गई। लेट्स गो विद एक्सप्लोरर, लेट्स गो विद प्रॉपर्टीज एंड लेट्स गो विद डिजिटल सिग्नेचर। ये तुम्हारी साइंड एप्लीकेशन है बाय द मोजिला, राइट। अब जो मोजिला है वो तुम्हारा यहाँ पे एसबीआई लेवल पे बैठा है। अब इसको यहाँ पे लेकर चलो साइड बाय साइड में, तो मोजिला यहाँ पर है एसबीआई लेवल पे। ट्रस्टेड है ये। ये ट्रस्टेड है, इसको साइन करके दिया है। मोजिला जो है उसके ऊपर कोई ना कोई बंदा बैठा है, राइट, जो कि हमारा विंडोज के लिए ट्रस्टेड है। लेट्स से डिटेल्स खोल लेते हैं एक बार, व्यू सर्टिफिकेट और डिटेल्स, ये रहा। जो यहाँ पे टॉप लेवल में है वो है डिजिसर्ट। आई एम नॉट श्योर कि ये तुम्हारे लिए विजिबल है नहीं है, मैग्नीफायर कर लेते हैं, ठीक सर देख रहा है सर है। तो आराम से। ठीक है, जो टॉप लेवल में है वो है डिजिसर्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे। अब जो डीजी सर्ट है वो विंडोज के लिए ट्रस्टेड है, क्यों? सर्टिफिकेट्स में हमेशा आपकी असिमेट्रिक कीज चलती हैं, आपके जो असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स थे वो चलते हैं। यहाँ पर आप जब भी साइन करते हो कोई भी डेटा, तो आप प्राइवेट की से उसे एनक्रिप्ट करते हो, इन शॉर्ट, ठीक है। आपकी जो पब्लिक की है वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर पाए, इट मीन्स वो वैलिड है। अगर डिक्रिप्ट नहीं कर पाए उसी की वैलिड की से, तो मतलब वो ट्रस्टेड, वो वैलिड नहीं है। ये केस चलता है। आपकी विंडोज में अगर आप सिंपली सर्च करते हो सर्टिफिकेट्स को, तो ये आपको यहाँ पे सर और देखो इसने भी ये मांगा आपसे। भाई वो एडमिन प्रिविलेज चाहिए होते हैं उसमें, तब मांगता है वो। हाँ गया सर्टिफिकेट्स। हाँ अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ, ऐसे रूट लेवल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर होंगी, ये रही ट्रस्टेड रूट लेवल सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स तो यहाँ पर आपको मिलेगा डीजी सर्ट, ये रहा, राइट। अब बिकॉज डीजी सर्ट विंडोज के लिए ट्रस्टेड क्लाइंट है, ठीक है, तो डीजी सर्ट के ऊपर विंडोज आराम से भरोसा कर सकता है कि हाँ
अगर डिजिसर्ट कह रहा है तो ट्रस्टेड बंदा ही होगा। अब डिजिसर्ट कहता है कि ये यहाँ पे डिजिसर्ट SHA-2 अश्योर्ड आईडी कोर्स एनी सर्टिफिकेट, जो कि इसका बिचौलिया है RBI, राइट। बिचर्ट बोलता है कि ये बिचौलिया ट्रस्टेड है, और बिचौलिया बोलता है कि मोजिला से आने वाली चीजें ट्रस्टेड है, राइट। ये नॉर्मल ट्रस्ट चेन चलती है आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर। अब चाहे वो आपकी EXE फाइल्स हो, चाहे आपके ब्राउजर के जो आप वेब जो के वेबसाइट्स आप ओपन करते हो वो हो, हर एक जगह पे आपकी सेम सर्टिफिकेट पैटर्न चलता है, राइट। वेरिफिकेशन के लिए आप इन सर्टिफिकेट्स के अंदर जो पब्लिक कीज होती हैं, उन पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके देखते हो। अगर डिक्रिप्ट हो जाती हैं तो वैलिड है, अगर डिक्रिप्ट नहीं होती हैं तो वो वैलिड नहीं है। ये उसकी नॉर्मल पब्लिक की है मोजिला की, राइट। एक चीज और, जो तुम्हारा रूट लेवल CA होता है गवर्नमेंट लेवल पे, उसकी जो सर्टिफिकेट की लेंथ होती है, जो लेट्स से एक्सपायरी डेट होती है, वो तुम्हें करीब लाइक 20-30 साल के लिए मिलती है, राइट। जो इंटरमीडिएट है तुम्हें उसके लिए मिलती है 10 साल की। जो तुम्हारा CA है सर्टिफाइड अथॉरिटी, उसके लिए तुम्हें मिलती है सिर्फ 1 साल की सर्टिफिकेट, राइट। जनरली वो रिन्यू होती है, लेकिन तुम उसको एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए भी परचेज कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक रिन्यू होती रहेगी, वो केस भी चलता है। लेकिन तुम्हारी जो मेन ये है रूट लेवल, इसकी लेंथ काफी हाई होती है, जो एक्सपायरी टाइम फ्रेम है वो काफी हाई होता है। जैसे ये इश्यू हुआ था 2006 में, और ये 2031 में 25 साल के बाद एक्सपायर होगा, राइट। तो वो सिंपल एक ट्रस्ट वेरीफाई करने के लिए तुम यूज करते हो सर्टिफिकेट्स को, और यही सेम पैटर्न तुम्हारा फॉलो होता है ब्राउजर्स में भी। अगर अगर चलता हूँ ब्राउजर्स की तरफ एक बार, तो यहाँ चलते हैं दोबारा गूगल के साथ। लेट्स गो विद ट्विटर, लेट्स गो विद दिस वन, लेट्स गो विद abc.com। मैं चार पोर्टल खोले हैं। लेट्स गो विद गूगल फर्स्ट, कनेक्शन सिक्योर बता रहा है। यहाँ आ जाओ मोर इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने लायक है, यहाँ पर लिखा है TLS, इसका वर्जन है 1.3। यहाँ पर कुछ चीजें तुम्हारे लिए कॉमन होंगी, जैसे AES एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, 128 की का साइज है यहाँ पर, GCM मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया यहाँ पे, SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम जो कि इंटीग्रेटिव वेरीफाई करने के लिए यूज हो रहा है बैकएंड पे, राइट। इस कंप्लीट वैल्यू को तुम बोलते हो साइफर सूट, CIPHER साइफर, SUITE साइफर सूट बोला जाता है मेनली इसको। ये ब्रैकेट स्टार्ट होने से लेके ब्रैकेट एंड होने तक की पूरी वैल्यू को तुम साइफर सूट बोलते हो। सर 1.3 आ रहा है, आपने कल 1.2 बताया था। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, 1.2 के अंदर आपके पब्लिक जो की एक्सचेंज के लिए आपका जो एल्गोरिथम यूज हुआ है, जैसे आपका RSA कल दिखाया था मैंने कि आपकी जो की एक्सचेंज हो रही है वो RSA की हेल्प से हो रही है, राइट। 1.3 के जो साइफर सूट्स हैं वहाँ पे पब्लिक की एल्गोरिथम मेंशन नहीं होता, लेकिन 1.2 में अभी भी मेंशन होता है। सो यहाँ चलते हैं, इसमें देखा था हमने कल, मतलब कोई भी 1.2 का हो आपको सभी में पब्लिक एल्गोरिथम भी मिलेगा। जैसे ये यहाँ पर जो ECDHE लिखा है, इसका मतलब है इलिप्टिकल कर्व डेफी हेलमैन की एक्सचेंज विद हेल्प ऑफ RSA, राइट। देन वी गोट विद AES-128 एक्चुअल एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, GCM गैलियोस काउंटर मोड, SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम, ये अगेन हमारी की का साइज है 128 बिट्स, और ये हमारे TLS का वर्जन है 1.2, ठीक है। ये नॉर्मल पैटर्न तुम्हारा सिक्योरिटी के लिए हो गया। अब हमारा ब्राउजर कैसे वेरीफाई करे कि हाँ जो वेब पेज लोड हुआ है वो एक्चुअल वेब पेज है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि बीच में कोई मीडिएटर बैठा हो, बिचौलिया बैठा हो वहां पे, राइट। उसके लिए हमेशा सर्वर हमें अपनी सर्टिफिकेट सेंड करता है पहले, देन अगर वो वेरीफाइड होती है तो ही हम कनेक्शंस एक्सेप्ट करते हैं सर्वर के एंड से, पैकेट्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। नॉर्मल पैटर्न ही चलता है।
यहाँ पे भी सेम 3 लेवल मिलते हैं आपको, 4 भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा 3 ही मिलेंगे, 4 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सेम ही है वो। ये आपका रूट लेवल ISRG, ये आपका R3 बिचौलिया, और ये आपका जो एक्चुअल क्लाइंट SBI वाला वो यहाँ पर है, ठीक है। अब एक चीज और, आपका जो फायरफॉक्स है वो एक लाइक जो हम कॉमन ब्राउजर्स यूज करते हैं लाइक क्रोम, एज, ब्रेव, ओपेरा, इन सब में फायरफॉक्स जनरली अकेला है जो कि खुद की सर्टिफिकेट स्टोर कैरी करता है। बाकी ब्राउजर्स में तुम्हें सर्टिफिकेट स्टोर देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ फायरफॉक्स में ही सर्टिफिकेट स्टोर देखने को मिलती है। मैं अगर सिंपली सर्च करता हूँ सर्ट, देन दीज आर द रूट लेवल सर्टिफिकेट्स ट्रस्टेड बाय योर फायरफॉक्स, ठीक है। ये चीज तुम्हें जनरली सिर्फ फायरफॉक्स में ही मिलती है। अगर तुम किसी और में चेक करते हो, मान लो मैं चेक करता हूँ एज में एक बार के लिए, राइट, तो मुझे एज में सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगी। ये आपके जो विंडोज की सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी OS लेवल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ काम करते हैं हमेशा। मैनेज सर्टिफिकेट्स, और ये विंडोज के ऊपर ही ट्रस्ट करता है मेनली आपका, राइट। तो यहाँ पे कोई पर्सनल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती आपको जनरल ब्राउजर्स में, एक्सेप्ट फॉर योर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स हमेशा खुद का सर्टिफिकेट स्टोर कैरी करता है, ये याद रखना जस्ट। डन, ऑल गुड। तो जो सर्टिफिकेट्स थी इनका मेन यूज है सिर्फ ट्रस्ट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। एक लास्ट चीज अबाउट योर सर्टिफिकेट्स, एंड दैट इज योर डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, जब तुम सिग्नेचर के लिए लेट से रजिस्टर करते हो कि मुझे एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, उस केस में तुम्हें दो की मिलती है असिमेट्रिक एल्बो की, एक तुम्हारी पब्लिक की और एक तुम्हारी प्राइवेट की, ठीक है। प्राइवेट की तुम्हारे पास रहेगी, पब्लिक की जो तुम्हारा बिचौलिया होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी पब्लिक की को हर जगह स्प्रेड कर दे। ये बिचौलिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब लेट से तुम्हारा मैसेज था, कोई तुम्हारे पास मान लो कोई PDF फाइल थी, ठीक है, तुमने उस PDF फाइल को साइन करना है, डन। जब मैं बात कर रहा हूँ साइन की, तो तुम वहां पर एक टाइम स्टैम्प के साथ उसको कर देते हो एनक्रिप्ट, ठीक है, और तुम उसे करते हो नॉर्मली सेंड, तुम्हें जहां भी सेंड करनी है वो, डन। अब जो तुम्हारा रिसीवर होगा वो क्या करेगा, रिसीवर तुम्हारी ही पब्लिक की से करेगा डिक्रिप्शन। अगर वो डिक्रिप्ट हो जाती है तो वो वैलिड है सिग्नेचर तुम्हारा, अगर वो डिक्रिप्ट नहीं होती है तो तुम्हारा सिग्नेचर इनवैलिड है, ठीक है। तो ये प्राइवेट से नहीं करेगा क्या, पब्लिक प्राइवेट से ये तो का किया है, ऑलरेडी स्प्रेड कर, नहीं पब्लिक में तो, पब्लिक तो हमने स्प्रेड कर रखी है, तो प्राइवेट से नहीं करेगा क्या। भाई साइन करेगा प्राइवेट से, साइन तो प्राइवेट से ही किया है उसने, पब्लिक से तो सिर्फ वेरीफाई हुआ है वो, ठीक है। डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर तुम एनक्रिप्शन किस से कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं वहीं पर लेट से लेके चलूँ हमारे सर्वर वाला के, जो हमारा क्लाइंट सर्वर होता है, क्लाइंट सर्वर के केस में आपका जो एनक्रिप्शन होता है वो होता है आपकी पब्लिक की से, ठीक है, और जो डिक्रिप्शन है वो होता है आपका प्राइवेट की से, ठीक है। बिकॉज वहां पे रिसीवर कौन है, हमारा सर्वर, सेंडर कौन है, हमारा क्लाइंट, नॉर्मल एंड यूजर, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ पब्लिक की है वहां पर जिससे हम एनक्रिप्शन करेंगे, एनक्रिप्शन होगा किसका, हमारी AES की का, ठीक है। लेकिन बस सिनेरियो अलग है,
तो तुम किसी भी की से एन्क्रिप्शन कर सकते हो, किसी भी की से डिक्रिप्शन कर सकते हो, वो तुम्हारी कॉल होती है हमेशा। डन? ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक पार्ट था भाई क्रिप्टोग्राफी का। इसमें कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो तो बताओ। हाँ, कोई कोई इशू नहीं भाई, थोड़ा टाइम दो इसको, इसको समझ लो, बेहतर है, बिकॉज ये चीजें आगे भी बहुत बार यूज होने वाली हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको जरूर कवर अप कर लेना एक बार, आगे तुमने ये तो पढ़ा होगा। TLS, सॉरी TCP/3V आंसर तुमने पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, इसके बाद बिफोर डेटा ट्रांसमिशन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स योर SSL हैंडशेक। डेटा ट्रांसमिशन से पहले और TCP/3V हैंडशेक के बाद, राइट, आपका आता है SSL हैंडशेक। ठीक है, इसके बाद ही आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। इसको आप इन शॉर्ट 4-way हैंडशेक भी बोलते हो, तो वो भी याद रखिए। जस्ट डन, उसके बाद तुम्हारे डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा भाई। नॉर्मल पैटर्न ये है इसका। ठीक है, और इस हैंडशेक में तुम्हें मेनली सर्टिफिकेट वेरीफाई करनी है और तुम्हारी की शेयर करनी है, ये इसका मेन यूज है हैंडशेक का, 4-way हैंडशेक का। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो एक बार इसको और पढ़ लो एक बार इस SSL हैंडशेक को अच्छे से। बाकी बैकएंड में बस यही सब चल रहा है। डन,